सबसे पहले मैं तुनिशा के सारे फैंस और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आप सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए, ये साथ ऐसे ही बना रहे। अभी मेरे को यही कहना है कि शिजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने निशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था आना जाना, भी घर पे बुलाना वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया, मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान ने शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टनीशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा, तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसके उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई बच्चे, मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी, मैंने फिर मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं कह शिजान ये क्या है कि तूने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं करना कर सकता, जो करना करो, ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया, जैसे अब कर रहे हो आप, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था।